नमस्कार मेरा नाम है समित चौधरी और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बेहद रहस्यमयी हालातों में गायब हुए सोडर परिवार के बच्चे और उसके बाद घटने वाली बेहद रहस्यमयी घटनाओं की कहानी यह कहानी है सन उन्नीस की अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में फेयरटविल नाम का एक छोटा सा शहर था उन्नीस में इसकी लगभग दो की आबादी थी इसी फेयरटविल में एक मकान था दो मंजिला इसमें एक बेसमेंट था ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर ऊपर एक अटारी अटारी के ऊपर ढलवा छत छते इस मकान में जॉर्ज सोलडर अपनी पत्नी जेनी सोलडर के साथ रहा करते थे इनके कुल दस बच्चे थे सबसे बड़ा बेटा जॉन बाईस साल का इसके बाद जो इक्कीस साल की इसकी उम्र थी ये सेना में था और जंग लड़ने चला गया था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था इसके बाद इनकी बेटी मैरियन उन्नीस साल की थी यह मैरियन एक डाइम स्टोर में काम करती थी डाइम स्टोर सस्ता सामान मिलने की जगह इसके बाद जॉर्ज जूनियर सोलह साल का मॉरिस चौदह साल का मार्था बारह साल की लुइस आठ जेनी लुइस नौ जेनी आठ बेटी पाँच और सबसे छोटी बेटी सिल्विया दो साल की थी जॉर्ज सोडर तेरह साल की उम्र में इटली से अमेरिका आए थे जब ये आए थे तो इनके पास पैसे थे नहीं उसके बाद कई जगह पर इन्होंने मजदूरी करी कई जगह पर काम किया और फिर खुद के लिए इन्होंने एक ट्रकिंग कंपनी चालू करी इनकी ट्रकिंग कंपनी में कई ट्रक थे जो खदानों में मिट्टी पाटने का काम किया करते थे जेनी सोडर से इन्होंने शादी करी थी तो छोटा सा ये शहर था दो की आबादी थी ये जॉर्ज काफी ज्यादा सामाजिक भी थे सभी लोग इनको जानते थे मध्यम वर्गीय परिवार था काफी सम्मानित थे इस छोटे से शहर में और जॉर्ज की एक खास आदत थी कि इनके मन में जो भी बात होती थी तो उसको एक कह देते थे मन में रखते नहीं थे खैर चौबीस दिसंबर की तारीख थी उन्नीस क्रिसमस के पहले की संध्या तो क्रिसमस के लिए घर को सजा दिया गया था घर के बाहर लाइटें लगाई गई थी घर के अंदर क्रिसमस ट्री लगा था ग्राउंड फ्लोर पर ड्राइंग रूम था इनका ड्राइंग रूम में फायर प्लेस था फायर प्लेस में आग जल रही थी घर के बाहर और हर जगह पर बर्फ बिखरी हुई थी ठंडी काफ़ी ज्यादा थी क्रिसमस के लिए एक अच्छा समय तो इनकी बेटी मैरियन जो डाइम स्टोर में काम करती थी वो शाम को आई तो जब ये शाम को आई तो अपनी तीन छोटी बहनों के लिए खिलौने लेकर आई थी जब बच्चों ने खिलौने देखे तो काफी ज्यादा खुश खिलौनों से खेलने लगे इन्होंने अपनी माँ से कहा कि आज रात वो कुछ देर तक ज्यादा जगना चाहते हैं तो माँ को भी कोई दिक्कत थी नहीं अगले दिन त्यौहार था इन्होंने कहा कि ठीक है जेनी ने रात के दस बजे अपने बेडरूम की तरफ ये जाने लगी इन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी सिल्विया को उठाया तो जाते वक्त इन्होंने बताया मॉरिस और लुइस से मॉरिस चौदह साल का था और लुइस नौ साल का था तो इन्होंने कहा कि गायों को अंदर बांध देना और मुर्गियों को दाना डाल देना सोने से पहले इनके जो बड़े बेटे थे जॉन बाईस साल का और जॉर्ज जूनियर ये पहले ही सो चुके थे क्योंकि ये दिन भर अपने पिता के साथ काम करते रहे थे तो रात के दस बजे का वक्त था जेनी सिल्विया को लेकर अपने बेडरूम में चली गई बेडरूम में जाने के बाद ये बिस्तर पर लेटी और सो गई रात के साढ़े बारह बजे घर के ड्राइंग रूम में लगा फोन अचानक बड़ी तेजी के साथ बजने लगता है तो जब ये फोन बजा तो जेनी की नींद खुल गई ये उठी नीचे आई इन्होंने फोन उठाया सामने से कोई महिला बोल रही थी अब ये जो महिला बोल रही थी इसकी आवाज़ को जेनी नहीं पहचानती थी महिला ने किसी का नाम लिया कहा कि मुझे इससे बात करनी है तो जिसका नाम लिया गया था उसको भी जेनी नहीं पहचानती थी इन्होंने कहा कि आपने शायद कोई गलत नंबर लगा दिया है और आप ठीक से देखकर दोबारा सही नंबर लगा दीजिए जब ये गलत नंबर लगाने के बाद जेनी ने कही तो सामने से जो महिला बात कर रही थी वो एक बहुत ही अजीब आवाज़ में हंसी तो ये बात जैनी को थोड़ा अजीब तो थो लगी लेकिन इन्होंने ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया इन्होंने फ़ोन रखा और वापस जाकर बिस्तर में लेट गई अब ये जैसे ही बिस्तर में लेटी थी तो अचानक इनको याद आया कि जब ये फ़ोन उठाने नीचे गई थी तो इन्होंने नोटिस किया था कि घर की लाइटें जल रही थी और पर्दे गिरे हुए नहीं थे तो बच्चे अगर देर तक रात में जगते थे तो घर की लाइटें वो बंद कर देते थे और पर्दे गिरा देते दे थे तो ये नीचे गई पर्दे इन्होंने गिराए लाइटें बंद करी बच्चे यहाँ पर थे नहीं नीचे ड्राइंग रूम में बच्चे इनके अटारी में सोते थे इनके जो दो बड़े बेटे थे ये इनके साथ सोते थे अपने माता पिता के साथ छोटी बेटी सिल्विया भी इनके साथ सोती थी बाकी के जितने भी बच्चे थे ऊपर अटारी में सोते थे तो इनको लगा कि बच्चे ऊपर अटारी में सोने के लिए चले गए होंगे और जल्दी जल्दी में वो ये लाइटें वगैरह बुझाना भूल गए इनकी जो बेटी थी सबसे बड़ी मैरियन उन्नीस साल की इसी ड्राइंग रूम में एक सोफे पर सो रही थी तो खैर लाइटें वगैरह बंद करने के बाद ये फिर से गई अपने बिस्तर में और फिर से सो गई रात के एक बजे इनकी नींद फिर से खुलती है छत पर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ हुई थी ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीज बड़ी तेजी के साथ धम से छत पर गिरी है और लुढ़कते हुए नीचे को गई है ये आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई रबर की बड़ी सी गेंद छत के ऊपर गिरी है तो ये जग गई थी इस आवाज़ से इसके बाद ये पाँच दस मिनट तक जगी रही सुनने की कोशिश करती रही ये और कुछ शायद सुनाई दे लेकिन जब पाँच दस मिनट के बाद इनको दोबारा कुछ सुनाई नहीं दिया तो फिर से सो गई आधा घंटा बीता था कि फिर से इनकी नींद खुलती है इस बार इनके नींद खुलने की जो वजह थी तो हवा में धुएं की एक बड़ी तीखी गंध आ रही थी तो ये उठी इनको लगा कि घर में शायद कोई सामान जल रहा है घर को देखने लगी इनके घर में एक कमरा था जिसे इनका पति जॉर्ज ऑफिस के तौर पर काम करता था इस ऑफिस में एक फ़ोन लगा हुआ था एक फ़ोन यहाँ पर और एक फ़ोन ड्राइंग रूम में तो जब इस ऑफिस के कमरे में जेनी पहुँचती हैं तो इन्होंने देखा कि फोन और फ्यूज बॉक्स के पास आग लग गई थी दीवार में और बड़ी तेजी के साथ जलना शुरू हो गई थी अब जैसे ही आग लगी इन्होंने देखी तो ये भागी बेडरूम में गई अपने पति को जगाया दोनों बड़े बेटों को जगाया सिल्विया को लिया और ये घर से बाहर की तरफ भागी इनका जो सबसे बड़ा बेटा था जॉर्ज उसने ऊपर अटारी में सो रहे बच्चों को दो तीन बार आवाज दी और उसके बाद घर से बाहर की तरफ भागा जॉर्ज जिनके पति नीचे आ गए थे ड्राइंग रूम में ये फ़ोन मिलाने की कोशिश करने लगी कि फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन किया जाए कि वो आए और आग बुझाएं लेकिन जब इन्होंने फ़ोन मिलाया तो इनका फोन ऑपरेटर से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था तो इनको लगा कि आग में शायद इसका कोई वायर वगैरह खराब हो गया है जिससे फ़ोन डेड हो गया है तो ये बाहर को भागे जो इनकी बेटी अमेरिकन सो रही थी सोफे पर इसको भी जगाया अब ये छः लोग घर से बाहर खड़े थे और ये आवाज़ें देना शुरू कर चुके थे ऊपर अटारी में सो रहे बच्चों को जब ये जॉर्ज भागा था घर से बाहर की तरफ और इसने आवाज़ें दी थी ऊपर अटारी में सो रहे बच्चों को तो इसने आपाधापी में और जल्दी में नोटिस नहीं किया था कि अटारी से कोई भी हलचल या कोई भी आवाज़ इसको सुनाई नहीं दी थी तो अब ये यहाँ पर खड़े थे घर के बाहर आवाज़ें दे रहे थे और घर के ऊपर अटारी से कोई भी हलचल या कोई भी आवाज़ अभी भी नहीं आ रही थी इनकी जो बेटी थी मैरियन वो पड़ोसी के घर पर भागी क्योंकि इनके घर का फोन डेड था तो इसको लगा कि पड़ोसी के घर से जाकर फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन किया जाए वहाँ पहुंची फ़ोन मिलाया वहाँ से भी ऑपरेटर को कनेक्ट नहीं हो पाया तो जो दूसरे पड़ोसी थे इनके आसपास के उन्होंने आग लगी देख ली थी वो भी फ़ोन मिलाना शुरू कर चुके थे लेकिन किसी का भी फ़ोन ऑपरेटर को कनेक्ट कर ही नहीं पा रहा था अब बाकी के जो लोग थे मैरियन चली गई थी फ़ोन मिलाने बाकी के लोग घर के बाहर खड़े थे चिल्ला रहे थे ऊपर बच्चों को तो ये दोबारा वापस जा नहीं सकते थे क्योंकि घर में बड़ी तेज़ी के साथ आग फैलना शुरू हो गई थी और ऊपर जाने की जो सीढ़ियाँ थी उनको आग ने अपनी चपेट में ले लिया था तो ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था अब घर की लपटे आग की बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर उठना शुरू हो गई थी काफ़ी दूर से दिखाई दे रही थी यहां से कुछ दूरी पर एक ड्राइवर खड़ा था ट्रक ड्राइवर उसने देखा आग के लपटे ऊपर उठती हुई तो इसको लगा कि किसी मकान में आग लग गई है इसने भी फ़ोन मिलाने की कोशिश की लेकिन इसका भी फ़ोन नहीं मिला जबकि ये घर से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर था तो आखिरकार शहर के दूसरे हिस्से से किसी ने फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन किया फायर डिपार्टमेंट यहाँ से लगभग चार पाँच किलोमीटर की दूरी पर था तो अब यह फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी आने का इंतजार नहीं कर सकते थे जॉन ये जब वहां से भागा था अपने बेडरूम से तो नंगे पाँव ये भागाया था बड़ी जल्दी में बड़ी तेज़ी के साथ तो नंगे पाँव था फिर इसने सोचा कि जो घर का बाहरी हिस्सा है जो बाहरी दीवार है इसे चढ़कर ऊपर पहुंचा जाए और बच्चों को जगाया जाए उनको बाहर निकाला जाए तो नंगे पाँव घर की दीवार पर चढ़ना शुरू कर देता है एक खिड़की इसको मिली खिड़की का इसने शीशा तोड़ा लेकिन अंदर से इतनी ज़्यादा की लपटें आ रही थी और इतना ज़्यादा धुआं आ रहा था कि घर के अंदर घुसना मुमकिन नहीं था इसका हाथ काफ़ी ज़्यादा कट चुका था जॉर्ज का ये नीचे उतर आता है अब इनके घर के पास एक सीढ़ी लगी रहती थी इनकी घर की दीवार से हमेशा सटकर ये सीढ़ी खड़ी रहती थी तो इनको लगा कि सीढ़ी ले ली जाए तो उसके बाद फिर बच्चों को सीढ़ी के सहारे नीचे उतारा जा सकेगा लेकिन वहां पर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि सीढ़ी मौजूद ही नहीं थी घर के चारों तरफ इन्होंने दौड़ दौड़ कर ढूंढने की कोशिश की लेकिन इनको कहीं पर भी सीढ़ी दिखाई नहीं दी इनके पास एक ड्रम था बड़ा सा जिसमें पानी भरा रहता था वहां पहुंचे तो इन्होंने देखा कि ड्रम में बर्फ जम चुकी थी अब जॉर्ज के पास दो ट्रक थे तो इन्होंने सोचा कि ट्रक को घर के दीवार के पास लगाया जाए ऊपर पहुंचा जाए अटारी तक लेकिन जब ये ट्रक के पास गए इन्होंने स्टार्ट करना शुरू किया तो ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था दूसरे ट्रक के पास गए उसको स्टार्ट करने की कोशिश की वो भी नहीं स्टार्ट हो रहा था अब ये बड़ी अजीब बात थी क्योंकि घटना के पहले दिन दोनों ट्रक बिल्कुल ठीक हालत में थे दोनों ट्रक बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहे थे इनकी ट्रकिंग कंपनी थी तो ये इन ट्रकों को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रखते थे तो अब ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे इनकी जो बीवी थी जेनी और इनकी बेटी मैरियन ये दोनों रोने चिल्लाने लगे थे बड़े तेज तेज़ पड़ोसी भी यहाँ पर जमा थे लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकते थे लगभग पैंतालीस मिनट का वक्त बीत गया था अटारी से इस बीच जरा सी भी कोई सी भी हलचल नहीं आई थी इनको ये भी नहीं पता था कि बच्चे जग रहे हैं या सो रहे हैं अब बच्चे अभी फंसे हुए थे घर के अंदर आग जल रही थी बड़े तेज और मकान अब ये धीरे धीरे नीचे जलकर गिरने लगा था 45 मिनट के बाद आग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी अब यह कोई चारा नहीं बचा था कि इस घर को बचाया जा सकता है और ये भी कोई चारा नहीं बचा था कि बच्चे अब घर से बाहर आ सकते हैं तो सोडर फैमिली के लोग आंखों में आंसू लिए बेबसी और मजबूरी में घर को जलता हुआ देखने के लिए मजबूर थे ये घर बाकी बच्चों की चिता बन गया था फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी अभी भी नहीं आई थी और फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी आती है सूरज उगने के बाद यह बताया गया कि फायर डिपार्टमेंट में फायर फाइटर मौजूद नहीं थे और ट्रक को चलाने वाला ड्राइवर भी मौजूद नहीं था तो फायर फाइटर को इकट्ठा करने में और ट्रक ड्राइवर को बुलाने में काफ़ी समय इनको लग गया था अब इनके पास लोगों की कमी थी क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो ये वजह इन्होंने बताई थी लेकिन जब ये पहुंचे तो यहाँ पर इनके पास बुझाने लायक कुछ भी नहीं था क्योंकि घर जो था वो राख में तब्दील हो गया था घर के तहखाने में सारी राख नीचे जमा हो गई थी तो फायर डिपार्टमेंट के चीफ मॉरिस सुबह दस बजे बताते हैं जॉर्ज से कि इनको घर के जो मलबा है राख है इसमें से कोई भी हड्डियाँ नहीं मिली है अब मॉरिस को लगता था कि आग बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा देर तक जली थी इसलिए बच्चों की लाशों के साथ बच्चों की हड्डियाँ भी गल गई होंगी और अब उनको ढूंढना मुमकिन नहीं है एक बाद में फायर फाइटर ने बताया था कि उन्हें हड्डियों के कुछ अवशेष मिले थे लेकिन उन्होंने इस सोडर फैमिली को नहीं बताया था अब इसकी खैर पुष्टि कभी नहीं हो पाई तो मॉरिस ने जॉर्ज सोडर से कहा कि आप ये जो राख यहाँ पर जमा हो गई है तहखाने में इसको ऐसे ही पड़ा रहने दे फायर मार्शल ऑफिस के लोग आएंगे गहराई से इसकी जांच करेंगे हो सकता है कि उनको हड्डियाँ मिल जाए लेकिन जैसे जैसे दिन बीते फिर एक दो दिन बीते तो जॉर्ज और जॉर्ज की पत्नी अब उनके लिए बहुत ही दुखदाई नज़ारा था वो इसको ज़्यादा देख नहीं सकते थे तो आखिर चार दिन बाद जॉर्ज ने बुलडोजर मंगाया और इस तहखाने में पाँच मीट पाँच फीट मिट्टी की पटाई करती इसको बराबर कर दिया घटना के अगले दिन जब आग लगी थी उसके अगले दिन एक जांच करने वाला आया था तो जांच करने वाले ने देखा मुआयना किया उसके बाद बताया कि जांच लगने की वजह वायरिंग में हुआ शॉर्ट सर्किट हो सकता है 30 दिसंबर को बच्चों के डेथ सर्टिफिकेट पांच बच्चों के जारी कर दिए गए इसके बाद अखबार में खबर छपी और ये जो अखबार में छपी खबर थी ये काफ़ी ज़्यादा अजीब थी क्योंकि एक बार अखबार में खबर खबर छपी कि सभी बच्चों की बॉडीज मिल गई हैं और उसके बाद दोबारा फिर एक खबर छपी कि बच्चों के कुछ अवशेष ही मिल पाए हैं और बॉडीज नहीं मिली है खैर दो जनवरी 1946 को इनका फ्यूनरल था तो जॉर्ज और जेनी के बाकी बच्चे फ्यूनरल में पहुंचे थे लेकिन इन दोनों माता पिता को इतना ज़्यादा दुख था कि ये दोनों फ्यूनरल में नहीं पहुंच पाए कुछ महीनों बाद अब इस घटना के बीत चुके थे तो जॉर्ज और जेनी सोडर और इनके जो बाकी के बच्चे थे ये फिर से अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करने में लग गए थे लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते चले जा रहे थे इनके दिमाग में तमाम सवाल आते चले जा रहे थे उन सारी चीजों के बारे में उन सारी अजीब घटनाओं के बारे में जो आग लगने की रात हुई थी उसके अलावा कुछ और बातें थी जैसे कि एक बात इनको जांच करने वाले ने बताई थी कि आग बिजली में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो सकती है लेकिन जब आग लगी थी मकान में उसके कई दस पंद्रह मिनट बाद तक घर की जो क्रिसमस की लाइटें लगाई गई थी और अंदर का जो क्रिसमस ट्री था ये सारी लाइटें जल रही थी अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी तो इन लाइटों को जलना नहीं चाहिए था इनको बुझ जाना चाहिए था ये दिमाग ये सवाल था इनके दिमाग में उसके बाद दूसरा सवाल ये था कि जो सीढ़ी इनके घर की दीवार से हमेशा लगी रहती थी वो सीढ़ी आखिर कहाँ थी और वो सीढ़ी उस रात मिली क्यों नहीं थी घटना के बाद में ये सीढ़ी घर से पचहत्तर फीट की दूरी पर मिली थी तो अब ये सीढ़ी यहाँ पचहत्तर फीट की दूरी तक कैसे पहुँची ये भी इनके दिमाग में सवाल था और जब ये फ़ोन मिला रहे थे फायर डिपार्टमेंट को तो इनका फोन नहीं लगा था तो इनको लगा कि शायद फ़ोन डेड हो गया है और आग लगने की वजह से फ़ोन के जो तार हैं वो जल गए हैं लेकिन बाद में एक टेलीफोन रिपेयरमैन आया और उसने बताया कि टेलीफोन के तार आग में नहीं जले हैं बल्कि किसी ने इनको काटा है और जिसने भी इन तारों को काटा है तो वो एक खंभे पर चौदह फीट ऊपर चढ़ा है उसके बाद दो फीट वो लटका है उसके बाद इन तारों को काटा है तो अब किसी ने खंभे पर चढ़कर इन तारों को क्यों काटा था टेलीफोन के ये भी एक अजीब बात थी आग लगने के कुछ समय पहले पड़ोसियों ने मकान के पास एक इंसान को देखा था जो ब्लॉक एंड टैकल को चुराने का कोशिश चुराने का प्रयास कर रहा था ब्लॉक एंड टैकल एक पुली और रस्सियों से बनी हुई मशीन होती है जिसको सामान उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो खैर इस इंसान का पता लगाया गया इसको पहचाना गया पकड़ा गया इसने कबूल किया कि इसने चोरी की थी और टेलीफोन के तार भी इसने काटे थे लेकिन आग से इसका कोई लेना देना नहीं था और टेलीफोन के तार जो इसने काटे थे तो इसने बिजली के तार समझ कर काटे थे लेकिन गलती से इसने टेलीफोन के तार काट दिए थे अब ये चोरी करने के लिए टेलीफोन के तार क्यों काटना चाहता था इसका भी बाद में कोई पता नहीं चल पाया और इसको क्या सज़ा मिली इसके साथ क्या हुआ इसका भी कभी कोई पता नहीं चल पाया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था फायर डिपार्टमेंट के चीफ मोरिस ने कहा था कि हड्डियां आग में जल गई हैं लेकिन जेनी को इस बात पर भरोसा नहीं था उनको जब आग लगने के बाद उन्होंने ये जो राख बची हुई थी तहखाने में जेनी ने देखा था कि घर का कुछ सामान था जो जलने से बच गया था और ये जो सामान था ये हड्डियों से कम मजबूत था अगर ये सामान बच गया था जलने से तो हड्डियों को भी बच जाना चाहिए था फिर एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें एक ऐसी ही घटना की खबर छपी थी तो ये जो घटना हुई थी इसमें भी एक ऐसे ही परिवार के सात लोग जल गए थे घर के अंदर लेकिन उनकी हड्डियाँ बाद में मिली थी तो जेनी को लगा कि हड्डियाँ मिलनी चाहिए थी और जो मॉरिस बता रहे हैं ये गलत है तो इन्होंने फिर जानवरों की हड्डियों को लिया इनको लकड़ियों के ढेर में रखा आग लगाई उसके बाद इन्होंने देखा तो जानवरों की हड्डियाँ सही सलामत थी वो जली नहीं थी कई बार इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कई तरह के जानवरों की हड्डियाँ ली कई तरह की लकड़ियों में जलाया लेकिन हर बार जानवरों की हड्डियाँ सही सलामत बच जाती थी फिर एक क्रीमेटोरियम से संपर्क किया तो क्रीमेटोरियम के लोगों ने बताया कि घर में जो बच्चों की अस्थियाँ थी वो गल नहीं सकती थी क्योंकि बच्चों की अस्थियों को गलने के लिए आग को काफ़ी ज्यादा देर तक जलना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा तापमान इसका होना पड़ेगा तो यह जो आग थी घर की यह बच्चों की हड्डियों को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी अब जॉर्ज सोडर को लगता था कि जो दोनों ट्रक इसके घटना के एक दिन पहले ठीक ठाक हालत में थे बढ़िया काम कर रहे थे वो उस रात में मौके पर स्टार्ट नहीं हो रहे थे क्योंकि किसी ने उनके साथ छेड़खानी करी थी और रात में जो फोन आया था जब ये उठकर गई थी जेनी नीचे फ़ोन को उठाने के लिए और जो महिला अजीब आवाज में हंसी थी तो इनको लगता था कि इसके पीछे भी कुछ राज है तो खैर पुलिस के लोग रोल पता लगाया गया कि किस महिला ने इसको फोन किया था यहाँ पर महिला सामने आती है उसने कबूल किया कि हाँ उसने फोन किया था लेकिन उसने गलती से फ़ोन मिला दिया था और आग लगने की घटना से उसका कोई भी मतलब नहीं है तो ये सारी बातें हो गई थी कुछ जवाब मिले थे इनको जैसे फ़ोन के कटने का और ये महिला के फ़ोन करने का लेकिन तमाम सवाल अभी भी इनके सामने थे खैर जब बसंत आया तो सोडर फैमिली ने जो मिट्टी पाट दी गई थी उसमें फूलों के पौधे लगा दिए इन्होंने पहले भी कहा था कि हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पर फूलों के पौधे लगाएंगे और इन फूल के पौधों के तौर पर अपने बच्चों को हमेशा याद करेंगे तो बसंत में ये काम इन्होंने कर दिया था लेकिन गर्मियाँ आते आते कुछ ऐसी बातें और सामने आई जिससे इनको लगने लगा कि जिन बच्चों के लिए इन्होंने फूलों के पौधे लगाए हैं और जिन बच्चों को ये याद कर रहे हैं वो बच्चे मरे नहीं हैं बल्कि कहीं पर जिंदा है तो जॉर्ज सोडर जो था जैसा मैंने पहले बताया था कि तेरह साल की उम्र में इटली से आया था यहाँ पर लेकिन ये क्यों आया था ये बात इसने कभी नहीं बताई थी और इटालियन एक प्राइम मिनिस्टर थे डिक्टेटर बेनिटो मुसन्नी तो बेनिटो मुसोलिनी का ये जॉर्ज शोटर काफ़ी तीखा आलोचक था जब भी इसको वक्त मिलता था तो इनकी बड़ी तीखी आलोचना किया करता था 1943 में मुसोलिनी की सत्ता पलट दी गई थी और सेना ने इनको पकड़कर गोली मार दी थी इनकी लाश के साथ जनता ने बहुत ही बुरा अंजाम किया था तो मुसोलिनी के जो समर्थक थे काफ़ी ज़्यादा आहत थे इस घटना से और ये जॉर्ज जो इनके बारे में बार बार आलोचना कर रहे थे मुसोलिनी के मरने के बाद भी ये इनकी आलोचना किया करते थे मुसोलिनी के तो इनके समर्थकों को इनकी ये बातें काफ़ी ज़्यादा दिल पे लगती थी तो 1945 के अक्टूबर महीने में जिस जिस साल ये घटना हुई थी तो उसी साल एक इंश्योरेंस का सेल्समैन इनके पास आया था अब ये जो घटना हुई थी तो इस रात तो अजीब बातें हुई ही थी इसके बाद भी अजीब बातें हुई और घटना के पहले भी अजीब बातें हुई थी तो इसी अक्टूबर महीने में दिसंबर में घटना हुई थी अक्टूबर महीने में एक इंश्योरेंस बेचने वाला इनके पास आया उसने इनको इंश्योरेंस बेचने की काफ़ी ज्यादा कोशिश की उसने कहा कि अपने बच्चों के लिए इंश्योरेंस ले लो अपने लिए ले लो कभी भी कुछ भी हो सकता है आपको हो सकता है बच्चों को हो सकता है घर के लिए ले लो घर को कुछ भी हो सकता है तमाम तरह की उसने बातें बताई तो उस वक्त तो जॉर्ज ने इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया लेकिन घटना के बाद इन्होंने फिर इन बातों पर गौर किया तो हुआ यह था कि जब इसने इंश्योरेंस बेचने की काफ़ी ज्यादा कोशिश की और जॉर्ज ने इंश्योरेंस लेने से मना कर दिया तो ये इंश्योरेंस का सेल्समैन अचानक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और इसने धमकी देते हुए कहा कि मुसोली के बारे में जो तुम बुरी बुरी बातें किया करते हो तो तुम्हारा घर जल जाएगा और तुम्हारे बच्चे तबाह हो जाएंगे ये बात इसने कही थी इसके बाद एक आदमी जॉर्ज के पास काम मांगने आया था तो काम मांगने आया जॉर्ज से मुलाकात करी उसके बाद टहलते हुए घर के पीछे चला गया घर के पीछे चला गया तो इसने मुआयना किया वहाँ पर फ्यूज़ लगा हुआ था इसने जर्ज से कहा कि अपने घर का फ्यूज बदलवा दो नहीं तो इस फ्यूज की वजह से तुम्हारे घर में कभी आग लग सकती है अब इसकी ये बात जॉर्ज को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी थी क्योंकि कुछ ही महीने पहले जॉर्ज ने अपने घर में कुछ ही महीने या कुछ दिन पहले जॉर्ज ने अपने घर में एक स्टोव लगवाया था और पूरे घर की वायरिंग को फिर से चेंज कराया था जिस कंपनी ने स्टोव लगाया था उसी ने वायरिंग चेंज करी थी हर चीज़ फ्यूज वगैरह सब कुछ बदला था और कंपनी ने बताया था कि अब उनका घर बिजली से पूरी तरह सेफ है सुरक्षित है इसके अलावा जॉर्ज के तो बड़े बेटे थे जॉन और जो जॉन और जॉर्ज जूनियर इनको फिर घर के बाहर एक हाईवे निकलता था घर से कुछ दूरी पर तो हाईवे के किनारे एक बड़ी ही अजीब कार खड़ी दिखाई देती थी कार में कुछ लोग बैठे थे और सोडर परिवार के बच्चे जब स्कूल जाते थे और जब स्कूल से वापस आते थे तो कार में बैठे लोग इन बच्चों को घूरा करते थे इसके अलावा कुछ ऐसी बातें और भी सामने आई जिनसे इनको लगने लगा कि ये जो बात कही जा रही थी जांच में कि शॉर्ट सर्किट की, की वजह से इनके घर में आग लगी है आग लगने की वजह कुछ और थी तो क्रिसमस के शाम एक बस का ड्राइवर इनके घर के पास से निकल रहा था उसने देखा कि कुछ लोग आग लगे हुए गोलों को इनके घर की छत पर फेंक रहे थे कई महीनों बाद जब बर्फ़ पिघल गई तो इनकी जो सबसे बेटी सबसे छोटी बेटी थी सिल्विया इसने झाड़ियों में एक हरे रंग की गेंद मिली इसको ये हरे रंग की गेंद एक पाइनेपल बम की तरह लग रही थी पाइनएप्पल बम जंग में इस्तेमाल किया जाने वाला एक ग्रेनेड की तरह का होता है आग लगाने के लिए इसको, इसको इस्तेमाल किया जाता है तो लोगों को लगा कि ये एक पाइनएपल बम है और पाइनएपल बम से ही इनके घर पर आग लगाई गई है अब ये जो पाइनएपल बम मिलने की और जब इन्होंने बाद में याद भी किया तो इनको जब ये भागे थे वहाँ से घर से तो इनको नीचे के हिस्से में आग लगी हुई नहीं दिखाई दी थी बल्कि ऊपर से ही आग लगती इनको दिखाई दी थी तो परिवार को पूरा भरोसा हो गया था कि इनके घर में बिजली में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग नहीं लगी है बल्कि किसी ने फेंक कर घर की अटारी से आग लगाई है जानबूझकर। लेकिन ये किसी भी तरह इसको साबित नहीं कर सकते थे इसके अलावा और भी कई अजीब बातें थी जब आग लगी थी जिस रात की ये बात है उसी रात इनके घर से कुछ दूरी पर एक महिला खड़ी थी सड़क के किनारे इसने अपने सामने से कार को गुजरते हुए देखा कार में कुछ बच्चे बैठे हुए थे और ये बच्चे कोई और नहीं थे बल्कि सोडर परिवार के ही बच्चे थे तो इस महिला का मानना था कि ये बच्चे कार में बैठकर कहीं जा रहे थे या कोई इनको ले जा रहा था उसी वक्त जब घर में आग लगी हुई थी फेटवील और चार्लस्टन के बीच एक स्टॉप था वहां पर काम करने वाली महिला ने बताया कि उसने घटना के अगली सुबह बच्चों को नाश्ता सर्द किया था और स्टॉप के पार्किंग लॉट में एक गाड़ी खड़ी थी जिस पर फ्लोरिडा का नंबर था तो ये सारी बातें जब सामने आई तो सोलर फैमिली ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया जिसका नाम था सीसी सी टिंसली इसने अपनी जांच की और जांच के बाद इसको एक अफवाह सुनने को मिली अफवाह ये थी कि जो फायर स्टेशन के चीफ थे मॉरिस इनको घर की राख में से कुछ मिला था तो ये गए वहाँ पर मॉरिस के पास ये दोनों लोग ट्सली और जॉर्ज इन्होंने मॉरिस का सामना किया मॉरिस ने कबूल किया कि इसको घर की राख में से एक दिल मिला था जिसने इसे एक बक्से में भरकर मिट्टी में दफन कर दिया है मॉरिस इन दोनों लोगों को वहाँ पर ले भी गया जहाँ पर उसने दफन किया था उस चीज को निकाला गया और फ्यूनरल डायरेक्टर को दिखाया गया तो इसने बताया कि ये कोई दिल नहीं है बल्कि एक बीफ लिवर है और ये कभी आग के संपर्क में नहीं रहा तो ये जो घटना हुई थी मॉरिस को मिलने की तो इसने पहले ही इसको कबूल कर लिया था एक मिनिस्टर के सामने इसके बाद लोगों के माध्यम से यह खबर आई कि मॉरिस चाहते थे कि ये लोग अपने बच्चों के पीछे भागना बंद कर दें और आगे भविष्य के बारे में सोचें तो इनको लगता था कि अगर ये लीवर को राख में दबा देंगे उसके बाद इसको बताएंगे कि हमको ये मिला है बच्चों का दिल तो इन सोटर परिवार के माता पिता को लगेगा कि इनके बच्चों की मौत हो चुकी है और उनको ये भूल जाएंगे आगे की जिंदगी के बारे में अपना सोचना शुरू करेंगे तो एक बार ऐसे ही जॉर्ज ने मैगजीन पर एक छोटी बच्चों की तस्वीर देखी ये छोटी बच्चियां बैले डांस कर रही थी इनमें से एक बच्ची की तस्वीर जब जॉर्ज ने देखी तो इसकी शक्ल इसको अपनी बेटी बेटी से मिलती हुई दिखाई दी तो फिर इसने अपनी कार उठाई पर गया की ये तस्वीर थी उस स्कूल स्कूल के बाद इसने बहुत विनती की कि इस बच्ची से इसको मिलने दिया जाए लेकिन स्कूल वालों ने बच्ची से मिलने नहीं दिया अब जब ये सारी बातें हो चुकी थी तो जॉर्ज और इनके पूरे जो परिवार था इनको लगता था कि इनके बच्चों की मौत आग में लग जलने की वजह से नहीं हुई है बल्कि किसी ने इनको किडनैप किया है तो इसके लिए किडनैपिंग के लिए फिर उन्होंने एफ से भी केस लेने की रिक्वेस्ट की तो एफ के डायरेक्टर जे एसगर हुवर ने व्यक्तिगत तौर पर इनको एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में इनको बताया कि ये इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और अपने एजेंट को यहाँ पर ये नहीं भेज सकते हैं ये जो फियटवेल का लोकल पुलिस है अगर ये रिक्वेस्ट करें एफ से तो फिर अपने एजेंट को यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन फेटवेल पुलिस ने कभी भी ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की अगस्त उन्नीस में जॉर्ज ने आस्कर हंटर नाम के एक पैथोलॉजिस्ट को बुलाया जाँच करने के लिए कि वो आए खुदाई करें जो मिट्टी पाटी गई थी इसकी और जांच करें अगर कोई हड्डियां मिलती हैं तो वो बताएं तो इन्होंने जांच करी पैथोलॉजिस्ट ने आस्कर हंटर ने इनको एक डिक्शनरी मिली और कुछ क्विम मिले ये जो तो डिक्शनरी थी ये इनके बच्चों की ही थी कुछ छोटी हड्डियों के अवशेष भी मिले इन अवशेषों को हड्डी विशेषज्ञ के पास भेजा गया जांच में पता चला कि ये जो अवशेष थे ये किसी 16-17 साल की उम्र के बच्चे के थे या फिर हो सकता है कि इसकी उम्र इससे भी ज्यादा रही तो अब ये इनके किसी बच्चे के अवशेष थे नहीं क्योंकि इनके बच्चों की उम्र इससे कम थी और ये बात पक्की थी कि सोलह सत्रह साल से कम इसकी उम्र थी ही नहीं हो सकता है कि इसकी उम्र चौबीस साल रही और दूसरी बात ये थी के जो अवशेष मिले थे हड्डियों के इनमें आग से जलने का कोई निशान नहीं था ये हड्डियाँ भी कभी आग के संपर्क में नहीं आई थी तो ये माना गया कि जो मिट्टी पाटने के लिए जॉर्ज ने यहाँ पर डाली थी घर के ऊपर उसी के साथ ये हड्डियाँ यहाँ पर आ गई थी सी सी टिंसली ने फिर बाद में एक बड़ी अजीब बात बताई इसने कहा कि ये हड्डियाँ पास में मौजूद एक सीमेट्री से यहाँ पर आई हैं लेकिन ये सीमेट्री से यहाँ पर हड्डियाँ क्यों आई कैसे आई इसका कोई भी जवाब कभी नहीं मिल पाया तो एफ ने मना कर दिया था पुलिस आगे रिक्वेस्ट भेज नहीं रही थी ऑफिशियल तौर पर जब इनको कोई मदद नहीं मिली सोडर परिवार को तो इन्होंने फिर पोस्टर छपवाए और सूचना देने वाले को पाँच हज़ार डॉलर देने का ऐलान किया लेकिन इसके बाद भी इनको कोई मदद नहीं मिल पाई उन्नीस में एक बड़ी होर्डिंग हाईवे के किनारे लगाई गई जिसमें बच्चों की तस्वीरें थी और सूचना देने वाले को पाँच का इनाम देने की बात कही गई थी लेकिन इससे भी कोई मदद नहीं मिल पाई घटनाएं अभी खत्म नहीं हुई थी इसके बाद आयचा क्रसफील नाम की एक महिला सामने आती है उसने बताया कि उसने बच्चों को आग लगने के एक हफ्ते बाद देखा था ये महिला चार्जन के एक होटल में काम करती थी इसे तारीख तो ठीक से याद नहीं थी लेकिन इसने बताया कि आधी रात के समय ये बच्चे इसके होटल में आए थे और इनके साथ दो पुरुष और दो महिलाएं थीं ये जो पुरुष और महिलाएं थी ये इटालियन लग रहे थे लेकिन पुलिस ने इस महिला की बात पर आइडा क्रसफील्ड की बात पर कभी यकीन नहीं किया क्योंकि महिला ने बच्चों की तस्वीर दो साल बाद देखी थी और तस्वीर देखने के पांच साल बाद इसने यह बात कही थी लेकिन खाली यही महिला नहीं थी तमाम जगहों से खबरें आ रही थी जॉर्ज के पास चिट्ठियां आ रही थी जॉर्ज जा भी रहे थे पता भी कर रहे थे लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था एक अजीब बात फिर होती है उन्नीस में जॉर्ज के पास एक चिट्ठी आती है यह चिट्ठी एक लड़की ने लिखी थी लड़की ने बताया कि वो एक लड़के को जानती है और इस लड़के ने एक रात काफी ज्यादा शराब पीने के बाद जब वो काफी ज्यादा नशे में हो गया तो उसने अपनी पहचान जाहिर की और उसने खुद को लुइस बताया लुइस नौ साल का था आग लगने के वक्त जॉर्ज का पिता तो उसका महिला का मानना था कि लुइस और मॉरिस दोनों भाई टेक्सस में रहते हैं जब ये चिट्ठी पढ़ी जॉर्ज ने तो इसने अपने दामाद को लिया और वहाँ गया क्योंकि अब तक इसकी जो बेटी थी मैडियन इसकी शादी हो चुकी थी तो अपने दामाद के साथ ये वहाँ पर पहुँचता है महिला से बात करने की इसने कोशिश की लेकिन महिला ने बात करने से मना कर दिया महिला ने बात करने से तो मना कर दिया था लेकिन इन दोनों लड़कों की शिनाख्त इस महिला ने कर दी थी तो इसने फिर पुलिस को साथ लिया इन लड़कों के पास पहुँचा अभी जो दोनों लड़के थे तो इनकी शक्ल इसको अपने बेटों से मिलती हुई पता चली इसको लगा कि अगर इसके बेटे बड़े होते तो इन्हीं दोनों लड़कों की तरह दिखाई देते लेकिन ये जो दोनों लड़के थे इन्होंने इन्होंने साफ साफ मना कर दिया इन्होंने कहा कि इनका विल से या जॉर्ज से कोई भी संबंध नहीं नहीं जॉर्ज जॉर्ज कुछ कर नहीं सकता था वापस लौट आए लेकिन जिंदगी भर जॉर्ज को इन दोनों लड़कों के मना करने का मलाल रहा हमेशा इनके दिल में टीस रही कि इन दोनों लड़कों ने आखिर मना क्यों कर दिया था क्योंकि इनको लगभग लगभग भरोसा हो गया था ये दोनों लड़के और कोई नहीं है बल्कि इनके ही दोनों बेटे हैं इसके बाद फिर जब साल आगे बीते तो जेनी को एक चिट्ठी मिलती है जो सेंट्रल सिटी कैंटकी से भेजी गई थी इसके अंदर एक लगभग तीस साल की तीस साल के उम्र के लड़के की एक तस्वीर थी और इसकी शक्ल बिल्कुल लुइस की तरह लग रही थी तस्वीर के पीछे कोड वर्ड में कुछ अजीब लिखा हुआ था इसमें लिखा हुआ था लुइस सोडर आई लव ब्रदर फ्रेंकी लिटल बॉयज़ ए A90132 और 35 तो जब ये चिट्ठी आई तो जॉर्ज ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को सेंट्रल सिटी कैंटकी भेजा लेकिन ना तो इस इन्वेस्टिगेटर ने कभी कोई जानकारी दी और ना ही कभी ये इन्वेस्टिगेटर सामने भी आया ये जो इन्वेस्टिगेटर था ये भी पूरी तरह से गायब हो गया इसका बाद में कभी कोई पता तक नहीं पाया 1969 में जॉर्ज की मौत हो जाती है जॉर्ज की मौत के बाद जेनी ने घर के चारों तरफ फेंसिंग करा दी थी और लोगों से मिलना बंद कर दिया था बाकी की पूरी जिंदगी जेनी ने काले कपड़े पहनकर गुजारे और पुराने घर पर लगे बगीचे की देखभाल करती रही उन्नीस में जेनी की भी मौत हो जाती है और जेनी की मौत के बाद जो सड़क के किनारे बिलबोर्ड लगाया गया था तो काफ़ी पुराना हो गया था जंग लग गई थी तो जंग लगे बिल को उतार दिया गया लोगों ने धारणा बनाई थी इस केस के बारे में कि इनके जो बच्चे थे वो वाकई में आग में नहीं जले थे बल्कि सिसिलियन माफिया ने पैसों के लिए इनको किडनैप कर लिया था hmm. सिसिलियन hmm. माफिया ने धमकी दी होगी कि साथ चलोगे तो तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं होगा अगर कुछ करोगे तो तुम्हारे परिवार को भी मार देंगे लोगों की धारणा थी इसीलिए शायद बाद में भी परिवार के जो बच्चे थे इन्होंने परिवार से मिलने की कोशिश नहीं की होगी क्योंकि बाद में भी धमकियाँ मिलती रही होंगी परिवार के बच्चों ने फिर जो बाकी के बच्चे थे इन्होंने कहानी को आगे जिंदा रखने की और खोए बच्चों को पता लगाने की हमेशा कोशिश की सबसे छोटी बेटी जो थी सिल्विया सिल्विया की मौत 2021 में हो जाती है लेकिन अगर किसी ने किडनैप किया था और धमकियां इनको लगातार देते रहे थे तो काफी लंबा समय बीत जाने के बाद भी इन्होंने परिवार से कांटेक्ट क्यों नहीं किया था इस बात का कोई भी जवाब नहीं मिल पाता है खैर तमाम बातें इस केस के बारे में जिनका जवाब नहीं मिल पाता है अपने आप में एक बहुत ही उलझा हुआ केस है लोग अभी भी इसके पीछे लगे हुए हैं इनके जो बच्चे थे जॉर्ज और जेनी के इनके बच्चों की तो सभी की मौत हो चुकी है लेकिन इनके जो बच्चों के बच्चे हैं वो अभी भी कहानी को जिंदा रखने की और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हो सकता है कि कभी आने वाले भविष्य में पता लग जाए तो ये थी हमारी आज की कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई हो फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ